हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आ गया है हमारा न्यू प्रोजेक्ट। तो काफ़ी समय से मैंने कोई न्यू प्रोजेक्ट कभी किया नहीं और इसमें लगा हुआ था, काफ़ी टाइम लग गया उसको भी रेडी करने में। और मेरा खुद का भी जो मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जिसके पार्ट्स है मोटर किट वगैरह, उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। दोस्तों ये रेडी हो चुका है, ठीक दोस्तों। बाकी जैसे मैंने बनाया है उसके लिए बने रहे वीडियो के साथ, देखिए मैंने इसको कैसे रेडी किया है। मिलता हूँ फिर आपको मैं एंड में। दोस्तों अगर आप नए दर्शक हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसे क्लिक करें, और उसके बगल में बेल आइकन का बटन दिख रहा है, इसे क्लिक करके ऑल पर टिक करें, और ये जो आप लाइक का बटन दिख रहे हैं इसे दबाकर हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों ये आप जो मेरे चैनल का नाम देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके हमारे चैनल पर जाके आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पूरे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों जो ये वीडियो का ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करके हमारे चैनल के पूरे वीडियो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर बहुत सारे प्रोजेक्ट पर मैं काम कर चुका हूं। तो दोस्तों ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये रेड कलर का सुपर 73 बाइसाइकिल है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल मैंने बनाया येलो कलर का, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मैंने रॉयल एनफील्ड टाइप का, मैंने बुलेट टाइप का एक प्रोजेक्ट बनाया है, आप सामने देख पा रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद अभी हाल ही में मैंने एक फोल्डेबल बाइसाइकिल बनाया है, जो होममेड है, जो किसी भी आज तक यूट्यूबर ने फोल्डेबल बाइसाइकिल का वीडियो नहीं बनाया, ना ही कोई इंडिया में कंपनी फोल्डेबल बाइसाइकिल बनाती है। तो दोस्तों अगर आप फोल्डेबल बाइसाइकिल बनाना चाहते हैं या ऐसे कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो के लास्ट में आपको साइड में थंबनेल मिल जाएंगे इन वीडियो को देखने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये हमने ये हेड ट्यूब हमने वेल्ड मार दिया है, अभी इसको हार्ड वेल्ड करना बाकी है, पूरा इसको मजबूत करना है। और इसके सपोर्ट से भी एक यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ पे अटैच होगा, ये पूरा रेडी करेंगे। इसके बाद काफ़ी सारा काम है, तो वीडियो के साथ बने रहें। ये हेड ट्यूब है जिसमें ये आपने देखा सस्पेंशन लगेगा। हेलो दोस्तों, ये चेसी का काम काफ़ी हद तक हो गया है, आप देख पा रहे हैं। थोड़ा हमने चेंजेस कर दिया है पहले से, इसमें जो मैंने यहाँ से आगे तक सीधा लिया था तो उसको मैंने काट के यहाँ से राउंड शेप कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा ये निकला हुआ था, तो जैसे ही पैर रखने पे पीछे वाला जो चका उस साइड का आउट हो जा रहा था, उसकी वजह से मैंने उस चीज़ पर ध्यान देके मैंने उसको अलग कर दिया है, और यहाँ से डायरेक्ट बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। और आप देख पा रहे हैं ये चेसी का काम तैयार हो गया है लगभग, तो हमारी ये बनने वाली है लोडर रिक्शा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ चेंजेस दिए हैं, ये सामान रखने के लिए मैंने इसको बॉर्डर दिया है, अब इसमें बॉर्डर में सपोर्ट देना बाकी है, और पूरी वेल्डिंग को मजबूत करना और घिसना बाकी है, और बहुत सारा काम इसमें।
हेलो दोस्तों, अपन ने इसमें हब मोटर जो फ्रंट में लगाया था उसको निकाल दिया है क्योंकि वो लोड नहीं ले रहा था। तो इसका लोड बहुत है, तो हब मोटर जो था वो 350 वॉट का था, 48 वोल्ट का, तो वो लोड नहीं ले पा रहा था। उसकी वजह से हमने फिर इसमें 750 वॉट की रिक्शा पैडल रिक्शा हब मोटर लगा दी है। तो अभी बहुत सारा काम इसमें बचा है, अभी सीट बनाना बाकी बचा है, इसमें फर्श वगैरह बनाना बचा है। आप देख रहे हैं बाकी व्हील साइज है, ये लिथियम बैटरी है। फिलहाल हमने टेस्ट करने के लिए लगाई है जो कस्टमर के ऑर्डर पर है। ये लिथियम बैटरी 48 वोल्ट 30 एम्पियर की 30 एम्पियर की बैटरी है, ये कस्टमर के ऑर्डर पे थी। तो फिलहाल हम कस्टमर की बैटरी को टेस्ट कर रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा डिज़ाइन होने वाला है। और ये रिक्शा मोटर है, आप देख पा रहे हो ये हमने बैक व्हील से हमने कनेक्ट कर दी है। और इसमें हमने ये पिछले व्हील में हमने ड्रम ब्रेक लगा दिया है, देख पा रहे हो ये ड्रम ब्रेक है। और फ्रंट व्हील में हमारी ये डिस्क ब्रेक है, फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक और पिछले व्हील में ड्रम ब्रेक। अभी दोस्तों, अपन ने ये बनाया है ये लोडर ई रिक्शा, लोडर मतलब इलेक्ट्रिक कार्गो बनाया है। तो आपने मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार्गो देखे होंगे जो काफ़ी सारे शोरूम्स हैं वहाँ पे मिलते हैं, मगर ये काफ़ी लो बजट में रेडी होता है। उसको ई रिक्शा की जो कीमत होती है करीबन 1.5 लाख के आसपास रहती है। और ये जो हमारा ई रिक्शा है ये काफ़ी लो बजट में बना है, क्योंकि हमें सिर्फ ये लोडर और कार्गो के हिसाब से बनाना था। तो हमने इसको पूरा कार्गो के हिसाब से डिज़ाइन किया है, कार्गो के हिसाब से डिज़ाइन किया है। पीछे हमने इसमें सामान वगैरह रखने के लिए बनाया है, और आगे हमने इसमें सीट दी आगे सिंगल सीट। और इसमें हमने जीके कंपनी का 48 वोल्ट 750 वोल्ट हमने BLDC मोटर लगाया है, और उसमें हमने 48 वोल्ट 30 एम्पियर का लिथियम आयन बैटरी रेट इसमें लगाया रेडी करके। ठीक दोस्तों, ये देख पा रहे हैं कुछ ऐसा सेटअप दिखता है इसमें, क्या आप पूरा देख पा रहे हैं। ये इसका अलग अलग इसका फंक्शन है, ये हेडलाइट है, ये हमने DRL हेडलाइट लगाया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका ऑन ऑफ की है, इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाती है। वैसे GK कंपनी में दूसरी हेडलाइट आती है, हमने उसको यूज़ नहीं करके इसको हमने डिस्प्ले थ्रॉटल को लगाया है जिसमें कि AC में है। और इसमें हमने ये वोल्ट मीटर सेट किया है, इसमें वोल्ट दिखाता है कितना वोल्टेज चार्ज है। और ये हमारा हेडलाइट के लिए स्विच है, ये हेडलाइट के लिए हमारा स्विच है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी प्रोजेक्टर लाइट इससे ऑन हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये सेकंड इंडिकेटर का स्विच है, इसका नाइट मोड में भी आपको इसी में वीडियो आपको मिल जाएगा। और नीचे हमने ये बैक लाइट लगाई है, और हॉर्न हमने लगाया है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह का हमने बनाया है। बाकी आप देख पा रहे हैं ये सीट है, सीट के अंदर ही हमने इसमें 30 एम्पियर का बैटरी और इसका कंट्रोलर बॉक्स और कन्वर्टर वगैरह सब इसके अंदर ही सेट किया है, सीट के अंदर, ठीक दोस्तों। और ये है हमारी 750 वॉट की BLDC ई रिक्शा, जो पैडल रिक्शा किट होती है, चैन ड्राइव मोटर। ये चैन ड्राइव मोटर है जो हमारे पीछे बैक व्हील पर जा रही है, लेफ्ट वाले बैक व्हील पर, ठीक दोस्तों। ये हमारी पैडल रिक्शा की मोटर है, और ये जो व्हील हैं ये बाइसाइकिल के हैं। 20 हमने जो बाइसाइकिल आती है बच्चों की, 20 इंच की जो टायर की जो बाइसाइकिल आती है, वो हमने रिम यूज़ की है इसमें बाइसाइकिल वाली, ठीक दोस्तों। इसमें हमने टायर जो यूज़ किया है ये 20X 300 नंबर है,
वैसे जो नॉर्मल बाइसाइकिल में 20x75 का टायर लगता है, हमने इसमें 20x300 व्हील का हमें टायर यूज़ किया है। ठीक दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं पीछे हमने इंडिकेटर दिया है, इसमें बैक में भी हमने बैक लाइट दिया है ताकि जब आप नाइट में चले तो कम से कम सामने वाले को इंडिकेशन रहे कि कोई गाड़ी चल रही है। ठीक दोस्तों, और हमने इसमें भी सेम टायर यूज़ किया है, सेम रिम यूज़ किया है, और हमने पीछे इसमें पावर ब्रेक का हमने ऑप्शन दिया है, ये पावर ब्रेक लगा दी है, और फ्रंट पे हमने डिस्क ब्रेक दिया है। आप देख पा रहे हैं ये पीछे भी बाइसाइकिल की रिम है, और यहाँ पे हमने चार्जिंग सॉकेट दिया है, यहाँ से चार्जिंग के लिए हमने सॉकेट दे दिया है यहाँ पे। ठीक दोस्तों, बाकी ये आगे का सिस्टम आप समझ गए होंगे, और ये मल्टी स्पीड के लिए ये जो स्विच है बीच का, हमने ये एक्सटर्नल एक्स्ट्रा स्विच दिए हैं, कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ये स्विच यूज़ कर सकते हैं, अभी मैंने इसमें कोई कनेक्शन नहीं दिया है। और इसमें ये जो स्विच है बीच वाला, ये लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड के लिए स्विच है। ठीक दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, बाकी आगे DRL है लाइट, और आगे फ्रंट में हमने डिस्क ब्रेक दिया है। पहले मैंने इसमें फ्रंट में हब मोटर लगाया था, आपने देखा होगा वीडियो में, हब मोटर अभी मैंने निकाल दिया क्योंकि वो लोड नहीं कैरी कर सक रहा था, तभी लोड नहीं उठा पा रही थी, तभी मैंने हब मोटर निकाल दिया, तभी मैंने पैडल रिक्शा किट लगाई है। और मैंने इसमें 20x75 वाली रिम लगाई थी, 20x75 वाली रिम में मेरा ब्रेक बार बार फेल हो जा रहा था, और जो उसका प्लास्टिक का होता है जिसमें डिस्क ब्रेक की प्लेट लगती है वो फ्री हो जा रही थी उसकी चूड़ी, उसकी वजह से हमने 20x75 वाली हमने रिम निकाल के ये फैट बाइक वाली हमने रिम लगाई है, 20x400 वाली रिम लगाई है। इसमें हमने 20x300 टायर इंस्टॉल किया है क्योंकि 20x400 टायर अभी कहीं पर भी अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं हमने इसमें 20x300 का टायर इसमें इंस्टॉल कर दिया है, बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था रिव्यू पूरा इसका ई रिक्शा का, बाकी इसका सिनेमेटिक शॉट देखने के लिए बने रहे वीडियो के।
दोस्तों ये इसका पीछे का हमने जो सामान रखने के लिए, माल रखने के लिए हमने बनाया है, तो इतना स्पेस बनाया, हम चाहते तो इसको और भी बड़ा कर सकते थे, मगर इसको हमने इसलिए बड़ा नहीं किया है, अगर इमरजेंसी में हमें 2 सीटर दो लोगों के लिए सीट बनानी पड़े तो वो भी पॉसिबल हो, उसको हमने ध्यान रख के इसको हमने इतना ही ऊँचा किया। देख पा रहे हैं इसको हमने ज़्यादा डिस्टेंस नहीं दिया है, काफ़ी लोगों मन में सवाल हो गया कि इसको और ऊँचा करते तो पूरा कार्गो टाइप में बेटर रहता, मगर मेरा जो वर्क रहता है और जो उसका साइज़ है, मैंने अपने सुविधा के अनुसार हमने साइज़ इसका बनाया है, आप चाहे तो उसको और लंबा कर सकते हो, अगर आप बनाना चाहते हो तो इसको और लंबा कर सकते हो, मगर मेरा क्या है, जो मेरे जो रखने की जगह है इतनी ही कैपेसिटी थी, उसकी वजह से मैंने इस साइज़ का हमने बनाया है। और बाकी इसमें काफ़ी लोगों का सवाल होगा, इसमें सस्पेंशन नहीं दिया है, तो सस्पेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पूरा प्रॉपर ई रिक्शा जैसा बनाना है तो उसमें फिर खर्चा भी बढ़ता है, बजट भी बढ़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बढ़ जाती हैं, तो मुझे ये नॉर्मल रखना था और उस हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो इसने ना हमने सस्पेंशन फ्रंट में सिर्फ दिया है, बैक में हमने सस्पेंशन नहीं दिया है, बैक में हमने सीधा सीधा व्हील यूज़ किए हैं। और इसकी लोड कैपेसिटी की बात करें तो ये जो 750 वॉट जो किट होती है, इसकी लोड कैपेसिटी करीबन 600 केजी होती है, मतलब 6 क्विंटल तक ये मोटर लोड कैरी कर सकती है दोस्तों। और इसका ई रिक्शा का वेट अगर देखें तो अपन समथिंग इसका 50 और 55 केजी का इसका टोटल वेट है, क्योंकि मैंने जब इसको बनाना स्टार्ट किया था तो 35 करीबन इसका वेट था, और बैटरी और मोटर में ला के समथिंग 50 से 55 केजी का इसका वेट होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी इसमें और भी हम 4 क्विंटल या 5 क्विंटल अभी इसमें और कैरी कर सकते हैं एक आदमी बैठने के अलावा, तो ये काफ़ी पावरफुल है। और हमने इसमें 48 वोल्ट 30 एम्पीयर की बैटरी हमने इसमें इंस्टॉल की है, लिथियम बैटरी, तो इसका अप्रॉक्स माइलेज 48 वोल्ट 30 एम्पीयर की बैटरी का समथिंग 60 to 70 किलोमीटर रेंज कवर करेगी। अभी मेरा हालांकि ट्रायल नहीं है, फिर भी मेरा अंदाज़ा है 48 वोल्ट 30 एम्पीयर की एक बैटरी जो लिथियम बैटरी होती है, अगर प्रॉपर तरीके से बनी हुई है बैलेंस होके, तो ये 60 से 70 किलोमीटर तक रेंज अच्छे से कवर करेगी। और जो लिथियम बैटरी होती है हब मोटर के लिए, अगर हब मोटर में यूज़ करते हो तो उसमें ज़्यादा माइलेज देती है, जो पैडल रिक्शा वगैरह किट होती है उसमें थोड़ा माइलेज कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा पूरा ई रिक्शा का रिव्यू इलेक्ट्रिक कार्गो का, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो